समाज के सामने ज्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चल के बैठ जाएंगे उस पे। आपके बारे में जो बुरा सोचते हैं ना, उनके बारे में आप बुरा मत सोचो। अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि आपके सामने उनकी औकात दो कौड़ी की रह जाए। तो ग्रेजुएशन करो, उसके बाद बैंक पीओ का तैयारी करो। हमारा लड़का, हमने बैंक पीओ बनवाया, उसको आज 30,000 रुपए कमाना है। हमको नहीं कमाना 30,000, हम 30 लाख कमाएंगे। किस्मत से ना अभिषेक बच्चन बना जा सकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन बनना है तो मेहनत से बन सकते हो। बीटेक कर लिया, अरे सेटल नहीं हो रहे, कुछ हो नहीं रहा है। एमबीए कर लेते हैं, एमबीए कुछ हो नहीं रहा है। अब हम आईएएस करेंगे, अब हम आईएएस करेंगे भाई, आईएएस बनेंगे, हम देश संभालेंगे। और रिश्तेदारों को अगर पता चल गया कि आपका अकाउंट खाली है, सर रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देंगे डर से। अरे फोन में थोड़ा टाइम ठीक नहीं चला, 5,000 मांग लेगा उधर। मतलब वो लोग कभी सेटल होने की बात नहीं है। मिडिल क्लास की दो कौड़ी की सोच है सेटल होना है। एक आदमी उस परिस्थिति में पड़ा रह जाता है, दूसरा आदमी उसी परिस्थिति में खड़ा हो जाता है। पहले छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी कुछ यूं है। एक व्यापारी उस राज्य के राजा से मिलने के लिए रास्ते में जा रहा था, और रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली के रास्ता काटते ही व्यापारी रुक गया तुरंत, कंफ्यूजन में। अब क्या करें, आगे बढ़े कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो उसने सोचा अभी घर से ज्यादा दूर आए नहीं है, थोड़ी देर घर में बैठ लेते हैं फिर वापस निकलेंगे। उसने वैसा ही किया, लेकिन दिक्कत यह होगी, दोबारा जब वो घर से निकला ना, चौराहे पे पहुंचा गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी मतलब गाड़ी पकड़ने के लिए, तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही। बहुत समय हो गया खड़े खड़े, उधर राजा व्यापारी का इंतजार कर रहा था, व्यापारी आ नहीं रहा था। तो उसने गरमा गया वो राजा व्यापारी पर, उसने ऐलान कर दिया इस व्यापारी को अब राज्य में लाइसेंस कैंसिल, इसका इसको धंधा करने का अनुमति कैंसिल, अब नहीं मिलेगा इसको। और राज दरबार से उधर से कोई आ रहा था, चौराहे पर देखा इस व्यापारी को, तो उसने बताया कि भैया राजा बहुत गुस्सा है आप पर, बहुत गर्म हो गया, कैंसिल कर दिया आपका लाइसेंस। ये सुनते ही व्यापारी का मूड खराब हो गया, वो डाउन हो गया, चिंता में किसी तरह घर आ रहा था। घर आते बीवी ने पूछा, अरे वापस आए तो सब्जी वब्जी ले आते। व्यापारी एकदम गुस्सा, सारा गुस्सा निकाल दिया उसने बीवी पर। बीवी भी बेचारी नाराज होकर के अपने बच्चे को लेकर के वो मायके चली गई। अब अकेला व्यापारी घर में बैठा उस बिल्ली को कोस रहा है, ये बिल्ली अपशगुन थी, आज अगर ये रास्ते में नहीं आती तो मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ के नहीं जाते, राजा मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं करता। दूसरा पहलू देखो जरा। सर जिस समय पहली बार ये व्यापारी घर से निकला था ना, उसी समय एक और व्यापारी घर से निकला था, और उसके साथ भी सेम घटना हुई थी, उसके सामने भी बिल्ली ने रास्ता काटा था। लेकिन उसने सोचा, उसको भी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन उसने सोचा अगर मैं रुक गया तो कहीं लेट ना हो जाऊं, राजा नाराज ना हो जाए, तो वो आगे बढ़ता चला गया। वो भी राजा को गिफ्ट दिया, और गिफ्ट के बदले राजा ने ढेर सारा उसको सोना दिया, और वो सोना लेकर के घर आया, खुशी खुशी परिवार के साथ एंजॉय किया। सर इस कहानी में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों व्यापारी के साथ सेम परिस्थिति नहीं थी क्या? सेम सिचुएशन, सेम हालात पैदा नहीं हुए क्या दोनों व्यापारी के साथ? हुए ना। लेकिन पहले व्यापारी ने उस हालात के प्रति क्या काम किया, वापस लौट गया, दूसरे व्यापारी ने उस हालात में आगे बढ़ गया। यानी कि एक चीज क्लियर नहीं होती क्या इससे, परिस्थितियां कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, परिस्थिति के प्रति लिया गया हमारा प्रतिक्रिया हमारा किस्मत अच्छा या बुरा बनाता है। लोग होते हैं ना, भाग्य भाग्य, किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है। इस उदाहरण से यह क्लियर नहीं होता कि सर हमारा भाग्य हम ही बनाते हैं। यानी कि परिस्थितियां कभी भी बुरी अच्छी नहीं होती, हालात कभी भी बुरे अच्छे नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे बुरे हालात है भैया, बुरी किस्मत, बुरा बुरी परिस्थिति। परिस्थिति वैसी ही परिस्थिति सब किसी को मिलती है। एक आदमी उस परिस्थिति में पड़ा रह जाता है, दूसरा आदमी उसी परिस्थिति में खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर वो आगे निकल जाता है, उससे उसकी किस्मत बन जाती है ना। यस, मेरी बात से एग्री करते हो, मुझे चैट पे लिख के बताओ, अग्री कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। ठीक है, देखो हमारी सोसाइटी का एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। हमारी सोसाइटी में तकरीबन 500-600 से ज्यादा के फ्लैट्स हैं, मतलब 500-600 ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा ये घटना, बिल्कुल ध्यान देके सुनिएगा। अब जब इतनी सारी फैमिलीज हैं तो सबके पास गाड़ियां होती है सोसाइटी में। मैं मान लेता हूँ 500 फैमिलीज के पास तो कम से कम गाड़ी होगी, कार, और 500 फैमिलीज के पास बाइक भी होगी। यहाँ पे जनरली क्या होता है, शहरों में जो कार रखते हैं वो बाइक भी रखते हैं। इसका दो कारण होता है, एक तो कईयों को कार ईएमआई पर वो दूसरों को दिखाने के लिए खरीद लेते हैं, तो पेट्रोल कैरी करना मुश्किल होता है, तो भैया पेट्रोल बचाने के लिए बाइक या स्कूटी से ऑफिस जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है, कईयों का भैया अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी, ठीक ठाक लिया है, लेकिन आसपास सब्जी भाजी लाने के लिए वो बाइक या स्कूटी रखते हैं, दो कारण से रखते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के पास गाड़ी भी होता है, स्कूटी या बाइक भी होता है। अब देखो होता क्या है कि सुबह सुबह गाड़ी साफ करने वाला आता है। सर जो गाड़ी साफ करने वाला आता है ना, उसकी कमाई का जरा हिसाब लगाना। सर 500 गाड़ी हैं और 500 बाइक्स होंगी, ज्यादा ही, मैं 500 का एग्जांपल ले लेता हूँ, 500 गाड़ी 500 बाइक्स। सर पर गाड़ी वो 500 रुपये चार्ज करता है और पर बाइक वो 200 रुपये चार्ज करता है। सर टोटल देखो कितना हो गया, 3.5 लाख रुपये। और अकेला नहीं आता वो, अपने बीवी बच्चों को भी लेके आता है, अपने भाऊजी को भी लेके आता है, सब मिलकर साफ करते हैं। साथ में 5 उसने स्टाफ रखा हुआ है, और 5 स्टाफ को मैंने पूछा कितना देता है सैलरी, कहता 15,000 रुपये देता है भाऊजी। मतलब 75,000 रुपये वो सैलरी दे रहा है दूसरों को, कौन वो गाड़ी साफ करने वाला, और कमा कितना रहा है सर, टोटल 3.5 लाख रुपये। तो कुल मिला के सैलरी देने के बाद उसके पास बचा कितना, 3.25 लाख रुपये, 2,75,000 रुपये। सर 2,75,000 रुपये महीने का, कुछ घंटे सुबह के काम करके वो पोछे वाला कमाता है, वो गाड़ी साफ करने वाला कमाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मैनेजर की इतनी सैलरी नहीं होती जितना वो हर महीने सिर्फ कुछ घंटे काम करके निकाल लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, इज्जत की परवाह मत करो। मिडिल क्लास का एक जहरीला स्टेटमेंट है, हमारी इज्जत चली जाएगी। मिडिल क्लास कभी चुनेगा गाड़ी में साफ करने वाला काम, पोछा मारने वाला काम गाड़ी में? कभी नहीं चुनेगा वो,
अरे हम तो ग्रेजुएशन के हुए हैं, हम बीटेक के हुए हैं, हम ये वाला काम करेंगे? नहीं नहीं नहीं, 25,000 की नौकरी के लिए पूरे दिन वो लगेगा, बॉस के तलवे चाटेगा, लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा। अच्छा दूर का उसको दिखता भी नहीं ना, उसको दिखता है 500 रुपया, एक 500 रुपये के लिए दिहाड़ी में हम काम करेंगे, उसको नंबर्स नहीं दिख रहे, 500 मतलब कितने, 500 गाड़ी, इतना बुद्धि नहीं होता ना, इज्जत, ये इज्जत मालूम क्या है सर? जिस दिन समाज को पता चल गया ना आपका बैंक अकाउंट खाली है, कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। और ये बात उसको भी पता होता है, ये बात आपको भी पता होता है, तभी तो आदमी झूठा दिखावा करता है। हाथ में आईफोन चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, पैर में एडिडास का जूता चाहिए, पुमा के टी शर्ट चाहिए, क्या दिखा रहा है वो? बैंक भले ही खाली है, क्रेडिट कार्ड पर सब कुछ चल रहा है, लोन पे जिंदगी कट रही है, लेकिन दूसरों को दिखाना अमीर है, क्योंकि अगर दूसरों को पता चल गया हम गरीब हैं तो इज्जत चली जाएगी, उसको पता है। ऐसी खोखली इज्जत का लेकर क्या करोगे? इसी इज्जत की वजह से 50,000 की नौकरी, 1,00,000 रुपये की नौकरी पर घिसट रहे हो, और वो इज्जत की परवाह नहीं किया उस गाड़ी साफ करने वाले ने, 3,00,000-2,50,000 रुपये महीना कमा रहा हो। इज्जत सर, गर्लफ्रेंड को पता चल जाता ना, जब बॉयफ्रेंड के अकाउंट में पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है। और रिश्तेदारों को अगर पता चल गया कि आपके अकाउंट खाली है, सर रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देंगे, डर से, अरे फोन में थोड़ा टाइम ठीक नहीं चला, 5,000 मांग लेगा उधर मत। रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं भैया, तो इज्जत की परवाह करना बंद करो, फालतू की इज्जत, नकली इज्जत। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती सर, गरीबों और बैचलरों की कोई इज्जत नहीं होती, और अगर आप दोनों हो, गरीब भी हो बैचलर भी हो, फिर तो और कोई इज्जत नहीं है। पैसा बिना तो कुत्ता भी नहीं पूछता ना, कुत्ता भी कब पूछता है, जब कुत्ते को रोटी देते हो और रोटी के लिए चाहिए पैसा। तो एक खोखली इज्जत के पीछे अपना समय खराब, अपना अपनी जिंदगी खराब मत करो। मिडिल क्लास छोटा काम, काम पकड़ने से पहले वो देखता है छोटा काम है बड़ा काम है, बड़ा काम है पकड़ूंगा, छोटा काम है, अच्छा उसकी डेफिनेशन बड़ा काम है छोटा काम क्या है? चार लोग अगर मुझे ये ना बोले अरे ये छोटा काम कर रहा है तो वो बड़ा काम है, चार लोगों ने अगर ये बोल दिया कि छोटा काम कर रहा है तो वो छोटा काम है। बुद्धि खराब है ना, उसको समझ नहीं आ रहा सच में छोटा काम कहते किसको है, और इतना मोटा पैसा बन रहा है फिर वो छोटा काम कैसे हो गया? अपने अंदर कभी झांक के देखो सर, थोड़ा कुछ समय अकेले बैठो और अपने आप से पूछो, जब आप जिंदगी में नहीं रहोगे, जब आप दुनिया में नहीं रहोगे, आपके मरने के बाद किसको फर्क पड़ने वाला है? जवाब मिलेगा आपके माँ बाप को, आपके परिवार को। ये जो दुनिया को दिखाने के लिए हमारी इज्जत चली जाएगी, जिसके लिए आप EMI पे गाड़ी, EMI पे होम, EMI पे कपड़े, EMI पे आईफोन लेते हो, जिसको दिखाने के लिए, आपके मरने के बाद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और पूरी जिंदगी उनको दिखाने के लिए आप कर्जे में रहे हो और अपने परिवार को भी कर्जे में रखा है उनको दिखाने के लिए, जिसको घंटा नहीं फर्क पड़ता आपके जिंदा रहो या मरो, क्या जिंदगी जी रहे हो? इज्जत चली जाएगी। सो दूसरा लेसन, सेटल होने का कभी मत सोचो, मिडिल क्लास की घटिया सोच है ये। एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर सेटल हो जाएंगे, 25,000 की नौकरी लग जाए फिर सेटल हो जाएंगे, ये वाला काम हो जाए, कॉलेज खत्म हो जाए फिर सेटल हो जाएंगे। अरे सेटल होना क्या होता है? एक रिक्शे वाले के बच्चे से पूछो कभी, वो कभी सेटल होने की बात नहीं करेगा। चौकीदार से पूछो, सब्जी वाले से पूछो, वो कभी सेटल होने की बात नहीं करता। जो सब्जी बेचता है ना, कभी ऐसी लाइन नहीं बोलेगा मुझे सेटल होना है 5 साल बाद 4 साल बाद, उसको पता है धंधा है, जिंदगी भर करना है। अंबानी के बेटे के मुंह से कभी TV पे भी नहीं सुनेगा सेटल होने की बात करता है, ये सेटल होने वाली बात सिर्फ मिडिल क्लास करता है। एक बार नौकरी लग जाए, बैंक भी हो जाए, SSC हो जाए, लाइफ सेटल हो जाएगा। जिंदगी भर भैया 10 साल हो गए IAS का प्रिपरेशन कर, सेटल हो जाएंगे, IAS बन जाएंगे, तो IIT वर्क क्लियर होगा सेटल। अरे भैया आज का समय ना डिग्री पर नहीं है, कॉम्पिटेटिव माहौल है, स्किल कौशलता पर चलता है। कितने ऐसे एग्जाम्पल है, IIT के बाद Amazon में नौकरी मिली, Facebook जैसी कंपनी में नौकरी मिली, और वहां भी कुछ साल बाद निकाल दिया गया क्योंकि स्किल की कमी थी, क्योंकि शायद जॉब्स की कमी थी। तो जब IIT करके और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लगने के बाद भी उसकी जॉब सेफ नहीं है, वो सेटल्ड नहीं है, तो आप क्या सोचते हो भैया क्या करके सेटल हो जाओगे? 20,000 की 25,000 की नौकरी में सेटल हो जाओगे? बड़ा आदमी और छोटा आदमी, छोटा किसको कह रहा हूं मैं? पुअर क्लास जिसको आप समझते हो और अमीर क्लास जिसको आप समझते हो, वो लोग कभी सेटल होने की बात नहीं। मिडिल क्लास की दो कौड़ी की सोच है सेटल होना है, और सेटल होने के चक्कर में कभी वो रिस्क लेने वाला काम नहीं करता, मतलब बिजनेस छोटा काम है, सेटल होना है इसको। अगला है नौकरी की सोच छोड़ दो, ये नौकरी की सोच देखो भैया, एक तो ऐसा है कि नौकरी की कमी तो है ही, नौकरी की कमी नहीं है, मैं कहूंगा आप जिस डिग्री के बेस पर नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हो उस चीज़ की कमी है। कार्य कौशल स्किल्ड लोगों के लिए कभी कोई नौकरी की कमी नहीं है, डिग्री वालों की, डिग्री लेकर जो ढूंढते हैं ना नौकरी, कहाँ डिग्री है मेरा, डिग्री है मेरा, डिग्री है मेरा, उनके लिए हमेशा कमी है, और उसके लिए आजकल तो और ज़्यादा कमी है। देखो नौकरी की सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या सर, कितने साल तक नौकरी कर लोगे अगर लग भी गई तो? उम्र के 50 साल तक, उसके बाद डायबिटीज़, बीवी और अर्थराइटिस, पता नहीं कितनी बीमारियाँ घेरेंगी। 50 साल की उम्र के बाद तो काम करने लायक बचोगे नहीं, लेकिन 50 साल के बाद आपकी, आपको कंपनी निकाल देगी 50 साल बाद, क्योंकि पता है कि 50 साल का हो गया बुड्ढा, ये 1,00,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, इतने में मैं 10 फ्रेशर उठा लूंगा, 10 नए घोड़े उठा लूंगा, 10,000 की नौकरी में उससे ज्यादा काम निकाल के देंगे, तो आपको निकाल देगी कंपनी। अब 50 साल बाद आपकी इनकम रही नहीं, लेकिन 50 साल बाद पैसे की जरूरत रहेगी, बाल बच्चे बड़े हो चुके होंगे। अच्छा बाल बच्चे अगर लायक निकल गए तो फिर तो आपका बुढ़ापा आपको पाल लेंगे, बाल बच्चे अगर नालायक निकले तो वृद्धा आश्रम के लिए तैयार हो गई। ये है भैया नतीजा आपके सेटल होने के सोच की, ये है भैया नौकरी की सोच की। अच्छा नौकरी के लिए लोगों में एक
मिडिल क्लास का हमेशा सोच रहता है बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, नौकरी नहीं करेंगे क्या करेंगे, हमारे पास तो बिजनेस करने के पैसे नहीं है। एक एग्जांपल पहले दे चुका हूं, सर पोछा मारने वाला गाड़ी साफ करने वाले के पास कौन सा बड़ा कैपिटल था, बिजनेस कर रहा है ना वो आदमी ने। दूसरा एक और बात बता देता हूं, अगर आपको इस बारे में कंफ्यूज हो तो एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं, इसको जरूर सुनो, गेट रिच विदाउट अर्निंग मोर, यानी कि ज्यादा पैसे कमाए बिना भी अमीर कैसे बने, इस ऑडियो बुक का नाम है, इस ऑडियो बुक को सुनो। इस ऑडियो बुक में कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको बताया जाएगा कि बिना ज्यादा पैसा कमाए भी अमीर बनने का रास्ता चुना जा सकता है। ये ऑडियो बुक मिलेगा आपको कुकू एफएम पर, और अच्छी बात यह है कि आपके सुनने से पहले 2,35,000 लोगों ने पहले ही सुन लिया इसको, आप लेट ना हो जाना इसलिए आप भी सुन लो। कुकू एफएम क्या है ये भी बता देता हूं, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं, 4200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां हर महीने ऐड हो रहा है, और अब कुकू एफएम पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है, और साथ ही आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन, यानी कि 99 नहीं सिर्फ 49 पे करके आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना SRS50। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल दिया है। देखो कुकू एफएम के बारे में जब भी मैं बात करता हूं ना, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब भी मैं कुकू एफएम के बारे में बात करता हूं मुझे ऐसा कभी नहीं लगता मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूं, मुझे हमेशा ये लगता है कि आपको बेहतर बनने के लिए बेहतरीन सलाह मैं दे रहा हूं। आपको नहीं लगता? क्योंकि जब आप कुकू एफएम सुनने की आदत लगा लेते हो ना सर, तो आपको कम समय में बहुत ज्यादा नॉलेज तो मिलता ही मिलता है, साथ में बहुत सारी बुरी आदतों से घिरे होने के बावजूद एक छोटी सी अच्छी आदत डेवलप होने लग जाती है, ऑडियो बुक सुनने की आदत। तो अगला लेसन है भैया, डिग्री वाली एजुकेशन से बचो। अच्छा, ये डिग्री वाली एजुकेशन जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे इसको, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपोज कर सकते हैं, ये कैसे बात कर रहे हो सर। पहले के जमाने में ना हमारे दादाजी परदादाजी नानाजी 6ठी 7वीं क्लास तक पढ़े होते थे, क्या आपको पूछा घर में होंगे, उसके बाद ट्रेंड आया मैट्रिक करने का, मैट्रिक मतलब 10th, और फिर ट्रेंड आया कि नहीं भैया 10th से काम नहीं चलेगा, 12th तो चाहिए नौकरी करने के लिए, फिर ट्रेंड आया नहीं भैया ग्रेजुएशन तो चाहिए नौकरी पाने के लिए, फिर ट्रेंड आया ना ग्रेजुएशन नहीं मास्टर्स तो चाहिए, और आजकल तो डबल मास्टर और ट्रिपल मास्टर चल रहा है, ये सब करने के बाद क्या मिल रहा है 25-30 हज़ार की नौकरी। एक बात बताओ सर, अच्छा इतने में भी कुछ लोग शांत नहीं बैठते, डबल मास्टर्स करने के बाद बीटेक कर लिया, अरे सेटल नहीं हो रहे कुछ हो नहीं रहा है, एमबीए कर लेते हैं, एमबीए कुछ हो नहीं रहा है, अब हम आईएएस करेंगे भाई, आईएएस बनेंगे, हम देश संभालेंगे, और आईएएस वाले कहते हैं तुम्हारी उम्र निकल चुकी है बट निकलो यहाँ से, फिर 25-30 हज़ार की नौकरी कहीं में लग जाता है वो। एक बात बताओ भैया, 12वीं करने के बाद प्लस 2 करने के बाद हज़ारों बच्चे आप यूट्यूब पर सर्च करना गूगल पर बचना आस पास में आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाते हैं इतना कमा रहा हूँ मैं इतना कमा रहा हूँ, सर 12वीं करने के बाद 15 साल के बच्चे 16 साल के बच्चे सर 50-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, कोई ड्रॉप शिपिंग करके, कोई यूट्यूब करके, कोई कुछ ऑनलाइन बिजनेस करके, और घर बैठे कमा रहे हैं 50-50 हज़ार 15 साल की उम्र में, और आप 30 साल की उम्र हो चुके हो 25 साल की नौकरी के फिर भी भटक रहे हो, सर आपसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है वो, तो क्या फायदा आपके बीटेक एमबीए और एमटेक करने का, ग्रेजुएशन करने का, कोई फायदा नहीं हो ना। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ भैया, आप मुझसे चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आपकी राय, आपको कहना डिग्री तो जरूरी होता है ग्रेजुएशन जरूरी होता है, ऐसे कैसे बिना ग्रेजुएशन कैसे हो जाएगा, क्या फायदा तो बताओ मुझे ग्रेजुएशन का, आज के टाइम में देखो डिग्री की औकात क्या है, मैंने बताया ना अभी आईआईटीएंस की जब नौकरी चली जाती है बीटेक और इतनी बड़ी बड़ी आईआईटी करने के बाद, तो आपकी डिग्री की औकात क्या, आप तो आईआईटी भी नहीं कर रहे तो बढ़िया है, अगर आपका जिंदगी में एक ही गोल है कि भैया इंजीनियर बनना ही बनना है फिर तो आईटी में जाओ या फिर तो बीटेक करो, अगर आपका गोल है कि डॉक्टर बनना ही बनना है फिर तो एमबीबीएस करो, फिर तो डिग्री की आपको जरूरत है उससे नहीं बच सकते, लेकिन अगर आपका गोल पैसा कमाना है बिजनेस करना है बड़ा बनना है तो जरूरी है आईआईटी की नौकरी, जरूरी है एमबीबीएस, जरूरी है आईएएस आईपीएस, अरे बतरे बिजनेस करने का तरीके हैं, प्लस 2 के बाद स्किल डेवलप करो ना, क्योंकि पूजा तो आज के टाइम में स्किल की होती है, कार्य कौशलता की होती है, जो माहिर है उसका होता है, गाड़ी पोछा करने में जो माहिर है वो भी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, देख लेना एग्जांपल, फिर तो और आज सर माए बाबूजी का पैसा भी बचाओगे, समय भी बचेगा और कम समय में पैसा भी कमाने लग जाओगे। हाँ, माँ बाबूजी को एक जरूर दिक्कत होता है कि हमारा बेटा ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो हमारे चाचा क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, पटना वाली मौसी क्या कहेंगे, तुम्हारा बेटा प्लस 2 यार पढ़ा नहीं, उनका तो बेटा बीटेक कर गया, हमारा बीटेक नहीं करेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। माँ बाबूजी को यही दिक्कत रहता है, कर लो एडमिशन ले लो लेकिन साथ में प्लस 2 के बाद स्किल डेवलपमेंट में लग जाओ, सर वीडियो एडिटिंग सीख लो, ड्रॉप शिपिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर सर्च करो ना आपको अपने इंटरेस्ट का एरिया मिल जाएगा, यूट्यूब पर यूट्यूबर बन जाओ, आज के टाइम पे तो भैया यूट्यूबर लाखों रुपए कमा रहे हैं 15-15 साल 14-14 साल के बच्चे, देखो ना मिल जाएगा, और आदमी 30 साल होने के बाद भी 25-25 हज़ार ढंग से नहीं कमा पा रहा, क्या फायदा इसी डिग्री का। तो मेरा जो राय है, देखो मैं तो अपने बच्चे के साथ करने वाला हूँ, मेरा अभी बेटा 8 साल का है, प्लस 2 होने के बाद मैं उसको नहीं पढ़ाने वाला, पढ़ाऊंगा, एजुकेशन के मैं खिलाफ नहीं हूं, एजुकेशन के ही जरिए तो हम और आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको एजुकेट ही करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो एजुकेशन जो जिंदगी में काम आए, डिग्री का काम आने वाले, डिग्री के बेस पे तो आजकल नौकरी मिल जाए लेकिन निकाल दे उसको, तो मैं उसे प्लस 2 के बाद उससे साफ साफ पूछने वाला हूँ, तैयार तेरी मर्जी, आगे डिग्री वाला काम करना है तो कर, अगर वो कहता है कि नहीं मुझे डिग्री चाहिए पापा तो मैं उसको दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे बिजनेस करना है पैसा कमाना है तो मैं उसको रास्ते बताऊंगा पैसा कमाने के, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसको बीटेक कराऊं एमटेक कराऊं ग्रेजुएट कराऊं, ज्यादा से ज्यादा प्लस 2 कर ले भाई, वो भी प्लस 2 मैं इसलिए उसको बोलूंगा कि थोड़ा मेरे को भी तो डर है ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, थोड़ा मेरे को भी डर है, इतना डर तो रहता है, लेकिन मैं उसको ग्रेजुएशन तक उसका टाइम नहीं खराब कराने वाला, समझ रहे हो मेरी बात, बुझा रहे हो कनेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा आप भी ये करो, लेकिन जरा सोचो, जमाना बदला है सर,
जमाना पूरी तरीके से बदल चुका है, पहले वाला जमाना नहीं रहा जो डिग्री के बेस पे अरे ग्रेजुएशन है आ जाओ अंदर सरकारी नौकरी मिल गई, आज नहीं, काम क्या कर सकते हो, आज आदमी वो दिखता है जॉब मिलने से पहले काम क्या कर सकता है, कौन से काम में कितना माहिर रही है उसी के बेस पे नौकरी मिलती है, ठीक है। तो डिग्री वाली एजुकेशन। अच्छा और एक क्वेश्चन बताऊं सर, देखो गधों के बीच रह करके जब आप घोड़ा बनने की बात करोगे ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, गधों के बीच रह के जब आप घोड़ा बनने की बात करोगे ना, ये सारे गधे आपको गधा बोलेंगे, अरे बड़ा गधा है, बड़ा बेवकूफ है, क्या बात कर रहा है, प्लस टू के बाद कोई काम करो, ग्रेजुएशन तो जरूरी होता है कम से कम। लेकिन जब आप अपने फैसले पर अड़ी होकर के आगे निकल जाते हो, सफल हो जाते हो ना, तो वही गधे लोगों में से कुछ गधे निकल के अपने आपको घोड़ा साबित करने के लिए, आपके बराबर समझदार साबित करने के लिए आएंगे और कहेंगे हमको पता था बेटा तुम कर लोगे, और आप मुस्कुराते हो मनी मन, कहते हो अरे तू आज भी गधा है, कल भी गधा था, परसों भी गधा ही था, हमेशा गधा ही रहेगा तू, और आप मुस्कुरा रहे हो तो मनी मन, उसका मजा ही अलग है, वो टाइम का मजा ही अलग है जब लोग आपके आसपास कहेंगे अरे हमको पता था तुम कर जाओगे, तो जब पता था उस टाइम पे काहे मजे ले रहे थे हमसे तुम, हैं बहुत मजा लिया उस दिन, हमारे पापा को शिकायत कर रहे थे बेटा तुम्हारा बिगड़ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, मारे दो लपड़ खींच करके, ऐसे बोल नहीं सकते क्या करें, और ये बोलने वाले आसपास ही वाले होते हैं ना, कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, पड़ोसी है, क्या बोले, इग्नोर ही कर सकते हैं, समझे कि नहीं। और एक आध बात तो समझो मेरी बात, किस्मत से ना अभिषेक बच्चन बना जा सकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन बनना है तो मेहनत से बन सकते हो, अगर आपको किस्मत के भरोसे, किस्मत हमारी अच्छी होती तो हम ये कर लेते, सर अभिषेक बच्चन की किस्मत अच्छी थी ना, अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुआ लेकिन क्या उखाड़ लिया, लेकिन अमिताभ बच्चन मेहनत करके अमिताभ बच्चन बना है, बहुत कुछ उखाड़ा, आपको क्या करना है, अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, अभिषेक बच्चन जैसा, मेहनत सर, किस्मत आपको अभिषेक बच्चन बना सकती है लेकिन अमिताभ बच्चन तो मेहनत ही बनाएगी, समझे कि नहीं। और जहां भी काम करो ना, कार्य कौशलता ऐसी डेवलप करो, उस जगह की रीढ़ की हड्डी बन जाओ, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या रोल है सर, रीढ़ की हड्डी जिस दिन काम करना बंद हो गई ना, बॉडी का मूवमेंट खत्म, मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, ऐसे ही जिस जगह जाओ उसका रीढ़ की हड्डी बन जाओ, आपके बिना उस जगह काम ही नहीं चले, फिर तो मन मुंह मांगा कीमत मिलता है आपको काम का, मुंह मांगा डिग्री MBA चले यहां से, भाग यहां से, ऐसे भगा देंगे आज के टाइम में, IITians को कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको कौन पूछेगा, समय बचाओ पैसा बचाओ, आज के टाइम में धंधा हो गया सर, गाजियाबाद नोएडा में जाकर एक लाइन से इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक लाइन से मेडिकल कॉलेज है, वो कॉलेज खोलने वालों का मनसा क्या है सर, धंधा करना, उनका मनसा ये नहीं है कि एजुकेट करके मुझे इनको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, अरे धंधा करने के लिए बैठे हो कॉलेज वाले, और तुम उनका धंधा बनाने के लिए जा रहे हो, 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बाबूजी लोन पे, एजुकेशन लोन, पूरा परिवार कर्जे में दबा हुआ है, सब खत्म होने के 4 साल भी चला गया, 50 लाख रुपया भी चला गया, और 25,000 की नौकरी को देने को तैयार नहीं है, फिर सर पीटता है, फिर कोई पता चलता है कि आपका दोस्त पीछे से आकर के अरे उसने बीटेक किया भी नहीं था लेकिन लाखों महीना कमाने लग गया, अरे हमको भी बताया हमको भी, फिर पछताओ के हाथ लगेगा क्या। अगला लेसन ध्यान से सुनो सर, सलाह किससे लें, किससे सलाह लेना है इस बात का ख्याल हमेशा रखो, हर किसी से सलाह नहीं लेने का, क्योंकि आज की दुनिया में ना चारों तरफ शकुनी है सर, कृष्ण नहीं है कोई भी, शकुनी चारों तरफ है, जिनकी सलाह से आप दुर्योधन बनोगे, दुर्योधन कौन था मालूम है ना, बर्बाद कर दिया था अपने आपको शकुनी की सलाह की वजह से, उसकी जिंदगी खराब हो गई, तो ऐसे चारों लोग हैं, कृष्ण कोई भी नहीं है, एक अच्छा सलाहकार कृष्ण को मिला अर्जुन की जिंदगी बन गई, एक बुरा सलाहकार दुर्योधन को मिला उसकी जिंदगी खराब हो गई, और लोग कहते हैं एक्सपर्ट से सलाह लो, जिस इंडस्ट्री में जाना है उसका जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लो, मैं इसके भी खिलाफ हूं सर, एक बात बताओ किसी प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट से जाकर के आप ये सलाह लो उससे कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसे को वेल्थ बढ़ाने के लिए, क्या वो कभी स्टॉक मार्केट बोलेगा, क्या वो कभी PPF बोलेगा, क्या वो कभी गोल्ड बोलेगा, क्या वो FD बोलेगा, वो प्रॉपर्टी बोलेगा, और अच्छा प्रॉपर्टी में भी वो प्रॉपर्टी बोलेगा जिससे उसका मार्जिन उसका कमीशन हो, वो एक्सपर्ट है लेकिन वो आपको सलाह वो देगा जिसमें उसका फायदा हो। अभी कुछ दिनों पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था रॉबर्ट क्यूसाकी का, मुझे इतनी वाहियात बात लगी रॉबर्ट क्यूसाकी की, हालांकि रॉबर्ट क्यूसाकी की मैं काफी सारे बुक पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा रिच डैड पुअर डैड, क्वाड्रेंट फ्लो, 4 क्वाड्रेंट, वो पता नहीं क्या क्या, मैं बड़ा मानता था उनके, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद थोड़ी इज्जत कम हो गई मेरी नजरों में, मालूम क्यों, उस आदमी से पूछा गया सवाल में कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते, वो कहता है स्टॉक मार्केट नहीं 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 गैम्बलिंग, पैसा वापस आता ही नहीं वहां पे, अंग्रेजी में बोल रहे भाई साहब पैसा वापस आता ही नहीं है, क्या इलॉजिकल बात है, अरे भैया तुम्हारे सामने वॉरेन बफे नहीं है उसको नहीं देख रहे हो, अच्छा वो गलत नहीं बोल रहा है, गलत बोलने का मतलब उसको पता है कि स्टॉक मार्केट की पावर क्या है, बस लेकिन वो स्टॉक मार्केट की तारीफ इसलिए नहीं कर सकता कि बेचारा उसका मेन धंधा रियल एस्टेट में है, तो वो तो लोगों को पैसा रियल एस्टेट में लगवाएगा ना, रियल एस्टेट का बंदा है वो, कोच है, ट्रेनर है, उसके सारे बुक्स आप देखो ये तो रियल एस्टेट के इर्द गिर्द घूमेंगे या MLM के इर्द गिर्द घूमेंगे, स्टॉक मार्केट का बंदा ही नहीं है, उसका पता है स्टॉक मार्केट से कमाया तो जा सकता है लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा प्रमोट हो जाएगा, नहीं स्टॉक मार्केट बहुत बुरा है, देखो मैं पर्सनली किसी का प्रमोटर नहीं हूं, मैं तो स्टॉक मार्केट भी आपको सिखा देता हूं, मैं तो प्रॉपर्टी भी आपको सिखा देता हूं, मैं दोनों में घुसाऊ, मेरा पर्सनल धंधा तो दोनों में है, लेकिन चूंकि उसका प्रॉपर्टी में है तो वो स्टॉक रिकमेंड नहीं करेगा, जो स्टॉक में ही है वो प्रॉपर्टी रिकमेंड नहीं करेगा, सर एक्सपर्ट से सलाह लेना भी खतरनाक होता है वो भी अपने फायदे की बात आपको बोलेगा, आपके फायदे की बात बाद में, तो चुनना बड़ा मुश्किल है भैया किसके किससे सलाह लें, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है सलाह वगैरह ऑनलाइन दुनिया में गूगल यूट्यूब वगैरह है, किताबें पढ़ो सीखो, एग्जैक्ट सलाह लेना किसी से मुश्किल है सर, ज्ञान लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो, अगर यूट्यूब
में करियर बनाना है तो यूट्यूब के बारे में पढ़ो, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट या कुछ भी काम करना है सर उसके बारे में पढ़ो समझो और फिर देखो कि मैं कैपेबल हूँ नहीं कैपेबल हूँ, कैपेबल बनने के लिए मुझे क्या, मुझे क्या सीखना है, कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, उस पर करो मास्टरी। और खास करके रिश्तेदारों के सलाह से तो खास करके बचे रहो सर, रिश्तेदार मजे लेने वाले होते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी ये सब, मैं सारे नहीं कह रहा लेकिन मैक्सिमम सब मजे लेने वाले होते हैं। ये जो समाज है ना आपके आसपास सर, ये समाज कभी नहीं जाएगा कि आप उनकी औकात से ऊपर औकात बना लो, कभी नहीं जाएगा वो, फिर तो कष्ट हो जाएगा उनको। वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी जो औकात है ना समाज में आप उनके नीचे ही रहो एक कदम, वो बराबर भी नहीं आने देना चाहेंगे आपको, क्योंकि आप पर हुकुम कैसे जमाएंगे, अपना राव आपका ऑर्डर आपको कैसे देंगे, ऊट पटांग अपना सलाह आप पर कैसे थोपेंगे, आप ज़्यादा समझदार हो गए, ज़्यादा औकात वाले हो गए तो आपको सलाह दे नहीं पाएंगे, है ना। तभी तो मैंने कहा गधों और घोड़े वाली बात, जब गधों के बीच रह करके आप बोलोगे मैं घोड़ा बनूंगा तो सारे वो कॉलर पकड़ने आए, तू घोड़ा बनेगा तू गधा है हमारे बीच रह, इधर उधर कैसे बर्दाश्त नहीं है ना, आप उनके बीच रह करके उससे ऊपर चले जाओ नहीं बर्दाश्त होता। पता चले कोई चाचा आए ये सब क्या बिजनेस कर रहे सोच रहे हैं सब, नहीं ग्रेजुएशन करो उसके बाद बैंक पीओ का तैयारी करो, हमारा लड़का हमने बैंक पीओ बनवाया उसको आज 30,000 रुपये कमाना है, हमको नहीं कमाना 30,000, हम 30,00,000 कमाएंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा लड़का कमा रहा है 30,000 कमाए दो, हमको 30,00,000 कमाना भैया, हम तो नहीं करेंगे ग्रेजुएशन, हम चले स्किल सीखने, हम चले कार्य कौशलता की तरफ, हम चलेंगे क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए वो सीखेंगे, पैसा भी बचाएंगे समय भी बचाएंगे, अपने बाबूजी का सपना पूरा कर देंगे, तुम्हारा बेटा को तुम कराओ तुमको जो करना है सर। ये जिगरा चाहिए ना करने के लिए, मना करने के लिए, समाज के हाँ में हाँ मिलाते रहोगे ना, समाज के सामने ज़्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पर, हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो। और समाज में जो बुरा सोचते हैं ना आपका, उनके बारे में भी एक राय देता हूँ सर, आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना आप उनके बारे में बुरा मत सोचो, अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि उन बुरा सोचने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। दोबारा बोलूं, आपके बारे में जो बुरा सोचते हैं ना उनके बारे में आप बुरा मत सोचो, अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि आपके सामने उनकी औकात 2 कौड़ी की रह जाए, हो गया ना। और ऐसे आदमी से तो खास दूर रहो, अगला लेसन, ऐसा आदमी जहां देखे एकदम दूर हो जाओ, ऐसा आदमी जो हमेशा किसी ना किसी की बुराई करता हो, क्योंकि जिस दिन आज आपसे अच्छे रिश्ते हैं कल जिस दिन आपसे बिगड़ेगा आपकी इमेज पर कालिक पोतने से पीछे नहीं रहेगा वो, आपकी खामा का इमेज खराब करता रहेगा वो, क्योंकि कई बार हमें मजा आता ना ये आदमी है उसकी बुराई कर रहा है, अरे हाँ ठीक है, अरे उसके बताए चक्कर चल रहा है, भगा दिया मार कर, अच्छा सुनने मजा आ रहा है सर। ये ऐसा ही बात वो आपके अंदर से निकलवा करके आपकी बात वो चार जगह फैलाएगा, इमेज खराब करेगा। कोई भी आदमी ऐसा दिख जाए जो दूसरों की बुराई करता रहा उससे दूर रहो सर, आज वो उसकी कर रहा है कल आपकी करेगा, आपकी इमेज खराब करेगा वो, इससे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक है, अगला लेसन, अपने वीक पॉइंट्स को अपने पास ही रखो, अपनी कमजोरियां, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है सर, आज गहरा दोस्त भी गहरा दुश्मन कल को बन सकता है, पता नहीं आपकी कौन सी बात उसको बुरा लग जाए, पता नहीं आपकी कौन सी हरकत उसको अच्छी ना लगे और आपसे वो दोस्ती के बजाय दुश्मनी मोल ले, और चूंकि आपका वो रहस्य जानता है तो रहस्य वो बाहर दुनिया भर को बता करके आपको बेइज्जत करता रहे या आपको ब्लैकमेल करता रहे, आपकी छवि खराब करता रहे, आपका धंधा खराब करता रहे, कुछ भी कर सकता है। रहस्य का सबसे बड़ा एग्जांपल रावण का रहस्य विभीषण को पता था जिसकी वजह से तो मारा गया वो, बाली का रहस्य सुग्रीव को पता था जिसकी वजह से मारा गया वो, अच्छा वो कौन था वो नाम भूल गया मैं जिसका वो जांग फाड़ा था भीम ने, नाम भूल गया मैं, उसका रहस्य कृष्ण को पता था कि दोनों जांग को ऐसे चीर करके एक ऐसे करके फेंकना था तब जा करके, दुर्योधन का रहस्य भगवान कृष्ण को पता था इसलिए उसका जांग टूटा। रहस्य नहीं बताने का किसी को, क्योंकि रहस्य देखो एक ऐसी चीज़ है ना सर, आपका नाश करने की चाबी है ये, और किसी को भी ये चाबी आपने आज भले बहुत करीब वाला है, बहुत करीब खास है मेरा, कभी अलग नहीं होगा, उसको चाबी वो दे दी ना, समय का भरोसा, समय का खेल, जिस दिन वो पलटा वो चाबी लेकर के घूम जाएगा, दुनिया भर को बांट देगा वो चाबी, आपका खेल खत्म। वीक पॉइंट्स नहीं बताने का, अमीर बनना है ना, वीक पॉइंट्स अपने तक रखने का, किसी को नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स है भैया जो मैंने आपको शेयर करे। अच्छा, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, SRS50 कूपन कोड यूज कर लेना अगर डाउनलोड करना होगा तो। और आज का सेशन कैसा लगा आपको, मजा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए, पढ़ रहा हूँ मैं कमेंट, पढ़ रहा हूँ मैं।